गाइस, वाई की वादी में इस दफा दो नई डेवलपमेंट देखने में आई हैं। एक तो नीचे उतरने का रास्ता बनाया गया है, अब आप गाड़ी को नीचे ले जा सकते हैं वादी के अंदर, और दूसरा गर्म और ताज़ा चाय को भी वादी में इंजॉय कर सकते हैं। ढाबा भी मौजूद है। मैं हूं अफराज कादिर और आप देख रहे हैं काकाज ट्रैवल। वाओ, चाय, बिस्किट, चॉकलेट, टॉफियां, जंगल में मंगल। चलो देखते हैं। चाय पी रहे हैं, यहाँ पे आए हैं। भाई ने बताया कि ईद के बाद शुरू किया है इन्होंने चाय का ढाबा। हम लोग वैसे भी आते रहते हैं, लेकिन ये जो चाय का इन्होंने शुरू किया है, आप अभी वीडियो में भी देखेंगे। ये एक यहाँ पे बस इन्होंने एक खजूर के नीचे इन्होंने सेटअप एक लगाया हुआ है। बिस्किट भी रखे हुए हैं यहाँ पे। और जो लोग बोलते हैं कि मतलब काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो ये एक जीती जागती मिसाल है काम करने की, कि काम अगर लोगों को ढूंढना होता है तो कहीं से भी ढूंढ लेते हैं। और भाई से हमने इंटरव्यू किया तो वो बता रहे थे कि मतलब उनकी दिन की 1000+ की दिहाड़ी लग जाती है। तो ऐसे खुशगवार माहौल में बैठ के चाय बनाना कौन नहीं चाहेगा। और चाय है भी मज़े की, बकरी के दूध की चाय, और मैं इंजॉय कर रहा हूँ। और मैं जिस सीट पर बैठा हूँ, मैं अभी अबू से यही बात कर रहा था कि मैं किसी म्यूज़िक वीडियो की शूट का एक दो शॉट यहीं से लूँगा। तो क्या तजुर्बा है, लोग बहुत आते हैं? बहुत, फैमिली में लोग सारे आते हैं। अच्छा, सुबह कितने बजे शुरू होते हैं ये? तकरीबन सुबह 8 बजे से शुरू होते हैं लोग, तो फिर शाम तक चलता रहता है। तो चाय क्या कब? 8-9 बजे तक यहाँ पर। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम, तो आप चाय बेचते हो? हाँ। तो आपको ये ख्याल मोहम्मद असलम कैसे आया? ये हमारा घर ही इधर ही है, इसलिए ख्याल आ गया भाई, मतलब रोज़गारी हो जाए, चिप्स वगैरह, बिस्कुट, ग्लूकोस ये होते हैं, फल बेचते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब अभी आपका रोज़गार हो जाता है? हाँ। तो ग्रेट, तो बहुत शुक्रिया। चाय माशाल्लाह ज़बरदस्त है। और मैं हूँ अजमेरी लाल, मैं ताल्लुक़ रखता हूँ तुर्बत बलूचिस्तान से। और बाकी यहाँ बेला जब भी विज़िट करता हूँ तो यहाँ आता हूँ, तो यहाँ मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ पिकनिक पॉइंट पर घूमा फिरा हूँ। और वाई एक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पिकनिक पॉइंट्स है बेला का, जिसमें आकर यहाँ पानी मैंने देखा, पानी बहता हुआ, यानि पूरे ये दूर दूर तक जाता है। और इसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ दरख्त हैं, ग्रीनरी है, और इसमें हम इंजॉय कर रहे हैं। इसकी अच्छी चाय है हमें मिल रही है इस पहाड़ियों में, इस पानी में। चाय का मज़ा दोबाला हो जाता है, इंजॉय कर दे करता है इस हमारा जो ट्रिप है, विज़िट है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। और थैंक यू टू कादिर साहब। वादी में पानी कम ज़रूर है, लेकिन खूबसूरत है, सब्ज़ा है, फूल हैं, छोटी मछलियों का मसाज बहुत अच्छा लगता है। बच्चों की उछल कूद मुलाहिजा करें। इस दफ़ा रश ज़्यादा देखने में आया है, बहुत से बच्चे, ख़वातीन और मर्द हजरात मोटरसाइकिल और रिक्शों में बैठकर आए थे, बड़े रंग बिखरे हुए थे, देखे ना। लेकिन यार एक प्रॉब्लम हो गई, मेरा चश्मा कहीं खो गया, बहुत डांट पड़ी। दोस्तों,
सफ़र में अपनी चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। चश्मा, मोबाइल, पर्स, जूते, टोपी, सब चीज़ों को संभाल कर एक जगह रखें या गाड़ी में रखें। चलें, इस तजुर्बे के साथ इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।